नमस्ते, मेरा नाम सारा है और पिछले 4 साल से मैं लाइफलाइन अस्पताल में एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ। हाल ही में मेरी बात डॉक्टर कन्नन से हुई है। डॉक्टर कन्नन ने मेरे पास एक केस रेफ़र किया है। एक पेशेंट है जो ब्लड कैंसर से गुजर रही है। उसने अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्किप कर दिया है। आखिर उसने ट्रीटमेंट क्यों स्किप कर दिया है, वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले रही है, इसके पीछे के जो कारण है वो जानने की आवश्यकता मुझे लग रही है। तो सबसे पहले उस पेशेंट से हम बात करेंगे, उस पेशेंट के फैमिली से हम बात करेंगे और वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेना चाहती है, अगर और वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले रही है, इसके जो पीछे की वजह है ये जानने की हम आज ये कोशिश करेंगे। प्रणाम। प्रणाम अंकल जी, मेरा नाम सारा है और मैं लाइफलाइन अस्पताल में एक काउंसलर हूँ। और जो आपकी बेटी की जो जिस डॉक्टर के पास आपकी ट्रीटमेंट चल रही थी उनसे मेरी बातचीत हुई है। ये ट्रीटमेंट नहीं ले रही, इसकी वजह से ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले रही, इसकी और उसके पीछे कारण कौन से, ये जानने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मैं आपसे और इनसे बात करना चाहूँगी, तो क्या आप मेरे से बात करेंगे? जी जी बेटा करेंगे। तो कैसा चल रहा है फिलहाल अब सब कुछ? कुछ नहीं, अभी घर पर ही थे। इसका ही ख्याल रख रहे, इसको सुबह से बुखार है, पूरा आंग भी गर्म है इसका। इसको बुखार तो बहुत ज़्यादा है, दवाई हाँ, दी? दवाई दी और पट्टियाँ भी की, लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं जाती बोल रही। क्यों? इसको नहीं जाना हॉस्पिटल। आपसे बात तो की होंगी ना इन्होंने, क्यों नहीं जाना है? इसको अब हॉस्पिटल से ही डर लगता है। तो आपने इनको समझाया नहीं? समझाया, अभी दवाई दी है, देखते आधा एक घंटा अच्छा लगे तो, नहीं तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे और फिर। किस बात का डर है इनको? इसको ब्लड कैंसर है। नहीं, लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रही है, क्यों नहीं लेना चाह रही है, डर किस बात का है? इन्होंने बीच में ट्रीटमेंट क्यों छोड़ दिया, इसके बारे में इन्होंने आपसे कुछ बातचीत की? नहीं, पिछले महीने इसकी कीमो की ट्रीटमेंट हुई ना, इंजेक्शन ली है, उसका दर्द बहुत बड़ा है इसको। मतलब उठना ही नहीं हो रहा था, पूरे हाथ पांव दर्द कर रहे थे, बहुत बुखार था, इसकी वजह से वो डर गई है। आप शांत हो जाए माता जी, धीरज रखिए, सांस रखिए, हम इनसे बात करेंगे, ये क्यों नहीं लेना चाहती, इनका इनके मन में जो डर है हम वो कम करना चाहेंगे। लेकिन आप ऐसे, अरे तू क्यों रो रही है, तू शांत हो जा। ये लीजिए पानी। धन्यवाद बेटा। हेलो बेटा, हेलो मैडम, कैसी हो? ठीक हूँ। बुखार बहुत ज़्यादा है ना तुम्हें? हाँ, मुझे बार बार बुखार आ रहा है। दवाई ली तुमने? अभी दी है मम्मी ने, फिलहाल बुखार की दवाई दी है। अच्छा, तो खा ली तुमने? हाँ, खाई है। दवाई लेने से पहले कुछ खाया कि नहीं खाया? खाया था कुछ, सुबह में किया था नाश्ता, खाई है तो दवाई। वैसे ही दवाई ले ली तुमने? वो कुछ दूध ही खाती पी नहीं थी है, वो उसने। कुछ पीती नहीं है, वो हमारी बात सुनती नहीं है। आप भी समझाओ इसको थोड़ा, खाना भी नहीं खा रही आजकल। आप शांत हो जाइए माता जी, इनके सामने रोएंगी तो ये और भी टेंशन लेगी। आप शांत हो जाइए, हम इनसे बात करेंगे ना अभी। बेटा बताओ इनको। जी माँ, तो बेटा क्या हुआ ऐसा, आप क्यों नहीं ट्रीटमेंट लेना चाह रही हो? एक्चुअली मैडम, मुझे पिछले साल जो कैंसर हुआ था उसकी हमने ठीक से ली थी, पूरी ट्रीटमेंट ली थी हमने। मुझे कीमो दिया था, उसी वक्त मेरे पूरे बाल चले गए थे। अच्छा, आपने हाई रिस्क कर लिया था। हाँ, तक कि कैंसर बहुत ही फैल गया था मेरी पूरी बॉडी में, तो वो कंट्रोल में लाने के लिए पूरी ट्रीटमेंट हमने ली थी कैंसर की। उसके बाद डॉक्टर ने भी बताया था कि मेरी बॉडी में कोई भी कैंसर नहीं मौजूद है, पूरी तरह से वो निकल गया है बॉडी से। और उसके बाद पूरी ट्रीटमेंट भी हमने डॉक्टर ने रुकवा दी थी। डॉक्टर ने कहा था कि इसके आगे बहुत कम चांसेस है कि आपको कैंसर नहीं हो सकता और फिर से हो फिर सकता। से बोन मैरो टेस्ट करवा दी थी क्या उन्होंने? हाँ, करवा ली और फिर रिपोर्ट आया था कि अब कोई भी कैंसर नहीं है मेरी बॉडी में, और उन्होंने कहा था कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम ठीक से, मतलब हमारी सबकी ज़िंदगी अब हंसी खुशी से चल रही थी कि फिर से मुझे तकलीफ़ होने लगी। और जब डॉक्टर को ऐसा डाउट आया कि हमें फिर से टेस्ट करवा लेने चाहिए कैंसर के, तब कैंसर की टेस्ट की तो पॉजिटिव आ गई। और
सब लोग मेरे पीछे है कि मैं फिर से ट्रीटमेंट शुरू करूं, लेकिन मेरा मन नहीं होता फिर से मेरी फैमिली को मुझे वो तकलीफ़ नहीं झेलनी है। ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा तुम? एक तो तुम्हें मेरे कोई पापा, तकलीफ नहीं है तुम्हारे बारे में? माँ मैं सब समझती हूँ। एक तो मेरे पापा, हमारे घर में कोई नौकरी नहीं करता, मेरे पापा मजदूरी करते हैं और घर चलाते हैं, उसमें इतनी सारा ये कैंसर का खर्चा ट्रीटमेंट नहीं उठाया जा सकता। मैं सब देख सकती हूँ सब, लेकिन मैं करता हूँ ना, लेकिन तेरे पापा सब करेंगे बेटा, तुम उस ही वक्त तो इसके सब किया, इसके बारे में मत सोचो। लेकिन बार बार अगर मुझे कैंसर ही होने वाला है, मेरा अब मन नहीं है हॉस्पिटल में जाके वही ट्रीटमेंट लूँ, वही दर्द सहन करूँ, वही पेन सहन करूँ। मुझ में अब वो कैपेसिटी नहीं रही है, मुझे अब नहीं लगता कि मुझे खुद के लिए ये सब करना चाहिए। जो चल रहा है वो वैसे ही चलने दो, ऐसा जो जो मत दिन बोलो मेरा बेटा, आखिरी दिन तुमने होगा, मेरे बात हमारे सुनो। बारे में हम सोचा है क्या? जो कैसे दिन मेरा रहेंगे आखिरी तुम्हारे दिन मगर होगा तुम ऐसा वो सोच होगा। रही हो? मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। हमें कोई तकलीफ नहीं है बेटा। देखो बेटा, अगर आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं लोगी, या ट्रीटमेंट पूरा नहीं करोगी, इसकी तकलीफ किसको होगी? मुझे मेरी घर में अगर फैमिली आप उस को ही। तकलीफ से गुजर रहे हो ना, जी मैडम, तो आपको ये ट्रीटमेंट पूरी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके बॉडी में फिर से इन्फेक्शन फैला है, इसकी वजह से ब्लास्ट बढ़ चुके हैं, और उसकी वजह से आपको ये बुखार आ रहा है। ये डॉक्टर ने चीज़ आपको बताई थी ना, ये बात बताई थी ना, अगर जी आपको डॉक्टर बुखार ने आता है सब तो। बताया है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे वो पूरा वो हॉस्पिटल का वो पूरा वो वातावरण, वो भीड़ भड़क जैसे गर्दी, वो कैंसर के पेशेंट्स, वो दवाइयाँ, वो सारी टेस्ट जो पूरे मतलब बहुत ही पेनफुल होती है सारी टेस्ट, वो FNAC वगैरह जो सब है ना, मुझे वो फिर से करवा लेने की मुझ में अब ताकत नहीं है, मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन बेटा मुझे तुम, घृणा आ रही है उस सब चीज़ों से। लेकिन बेटा तुम ऐसी उम्मीद छोड़ दोगी तो तुम्हें भी तकलीफ होगी, और ये तकलीफ तुम्हें तुम्हारे फैमिली वालों को भी झेलनी पड़ेगी कि ना? हाँ मैडम, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं करता। देखो बेटा, अगर कुछ पाना हो तो हमें थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ती है ना। जी अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ा सा और आपको मन को बहला के फुसला के आप हिम्मत करती हो तो ये ट्रीटमेंट आप पूरी तरह से लेती हो, तो इससे आप ये तकलीफ आपको कम होगी। जिस तकलीफ से आप गुजर रही है, ये तकलीफ आपको कम होगी, ये आपकी तकलीफ। तो मुझे जी ऐसा लगता है कि आपकी ये सोच कुछ तो कहीं तो आपकी ये सोच रुकी हुई है कि आपको वो ट्रीटमेंट नहीं लेनी। हाँ, अस्पताल में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कैंसर के होते हैं, कई बार किन पेशेंट को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता या नहीं मिलती वो ट्रीटमेंट, लेकिन आपके लिए आपके पेरेंट्स बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है ना बेटा उनके उनके विचार में और उनके साथ खड़े जी होने का। मैडम, पहले बार जब मुझे कैंसर हुआ तब मैंने यही सोचा था, और मैं कभी नहीं रोई थी, मेरी पूरी फैमिली रोई, लेकिन मैंने अपना सांस नहीं खोया था। लेकिन जब से फिर से मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आया है ना, तब से मेरा विश्वास उड़ गया है इस बात पर कि मैं इन चीज़ों को हरा सकती हूँ, कैंसर को हरा सकती हूँ। बेटा तुमने पिछली बार जैसे हिम्मत रखी ना, इसी बार भी वैसे ही हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। ठीक है। माता जी की आपसे बहुत उम्मीदें हैं, पिता जी की भी बहुत उम्मीदें हैं, जी और मैं ये इन्हीं जो को सब देख के इनको जो देख के आपसे ही मैंने सब फिर से कैंसर को हराया, पूरी ट्रीटमेंट ली, कोई भी मतलब वो ऐसी कमियां नहीं छोड़ी कि जिससे मेरे ट्रीटमेंट में कोई कमी पड़ जाए, ना माता पिता ने ना मैंने, आप हमने पूरी तरह से ट्रीटमेंट ली थी। उसके बाद में कॉलेज भी जाने लगी थी, लेकिन फिर से हो गया तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत, मैं हर्ट हो गई फिर से। पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर से हुआ ना कैंसर, और मेरा मन बहुत नाराज़ हो गया था और नई इच्छा हो रही थी मेरी ट्रीटमेंट लेने की। उस टाइम आप, अगर ये फीलिंग आपसे आपको फिर से दोबारा आई है, तो पहले जो आपने किया था वो क्या किया था बेटा? कैसे अपने मन को कंट्रोल किया था? एक्चुअली मैडम, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो शिक्षा में हो या मेरा सपना पूरा करने में हो, वो बहुत सपोर्टिव है। और मेरी वजह से अगर उन्हें कोई तकलीफ़ होती है तो मुझसे देखा नहीं जाते थे। यही बात सोच के मैंने अपने, जो मेरा रिपोर्ट आया था पॉजिटिव कैंसर का, उस वक्त मैंने ना खुद रोई ना उन्हें रोने दिया। मैंने उनको यही समझाया था कि
आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और पूरी तरह से ट्रीटमेंट लिया हमने, और बस यही मेरा उस वक्त यही मेरी सोच थी कि मेरे मम्मी पापा को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना झेलनी पड़े। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि आपका डिसीजन कैसा है? एक्चुअली वही मैं सोच रही थी कि अगर उस वक्त मैंने अपने माता पिता के बारे में ये सोच रखी थी, तो आज मैं अपना ये हाल जो मैंने किया है ऐसा करके फिर से क्यों अपने माता पिता को मैं दुख दे रही हूँ। वही बात तुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना हम लोग कब तो से। बेटा, तो फिर क्या करना चाहते हो फिर आप? अभी आपके नहीं मन में मैं ख्याल क्या है, आपके विचार क्या है अभी? नहीं मैं और मेरे मम्मी पापा को ऐसे रोते हुए और ऐसे दुख में नहीं देख सकती। मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ हॉस्पिटल, डॉक्टर की और मम्मी पापा की बात मानूँ। हम आज हॉस्पिटल जाएंगे। देखो बेटा, मम्मी पापा आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। जी इस बीमारी में तुम अकेली नहीं जा रही हो, ये मम्मी पापा भी आपके साथ जा रहे हैं। इनके मानसिकता पर ये परिणाम हो रहा है। जी मैडम, अगर तुम टाइम पे ट्रीटमेंट लेती हो तो ये जो तकलीफ है ना बेटा, ये पूरी तरह आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। जी मैडम। अगर आपको तकलीफ हो जाती है तो आपके माता पिता को भी ये तकलीफ हो रही है ना, तो इस बात का तो आपको ख्याल रखना चाहिए ध्यान से। वही ना मैडम, कि तो हमारे घर में कोई कमाने वाला पापा के अलावा कोई नहीं है। इतना सारा खर्चा, इतनी सारी मेहनत, और फिर से वही इसके बारे दिन, में मत यही सोचो मैं बेटा। सोचती थी। लेकिन बेटा, लेकिन अस्पताल में मम्मी पापा से हमारी बात हुई है। हम देखेंगे कि कोई फंडर आपको मदद करता है क्या, कहाँ अच्छा से फंडिंग आती है क्या आपके लिए। इस अच्छा बारे में ऐसा भी हम होता है। इस हाँ ऐसा होता है, और अच्छा इस बारे में हमने कार्य भी शुरू किया है। अच्छा तो अच्छी बात है। तो आपके ट्रीटमेंट के लिए हम फंडिंग भी इकट्ठा कर रहे हैं। देखो मैडम भी आपके बारे में सोच रही हो ना, तो थोड़ा सा तो खुद सोच, खुद के बारे में सोच और हमारे बारे में सोच। डॉक्टर जी ने मुझे बताया था कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी जी वजह से ये आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे। इंजेक्शन का भी बहुत कुछ लेकिन प्रॉब्लम उसे हुआ था। कितने बार कहा है कि वो टेंशन ना ले, हम हैं ना। नहीं अगर मैं कोई देखो हमें बेटा, हर बात का सोल्यूशन रहता है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को। नहीं अगर हमारी जो पैसे की समस्या थी वो अगर कोई हमें उसमें मदद करेगा, और मेरी मम्मी पापा को भी उतनी मदद होगी, और कोई टेंशन नहीं होगा इस, तो मैं ज़रूर ये ट्रीटमेंट लेना चाहूँगी। जरूर आप ये ट्रीटमेंट लोगी ना? जी मैडम, मैं ज़रूर लेना चाहूँगी ट्रीटमेंट। सच में ना बेटा, जी लेगी ना तू? जी पापा। चलेगी ना हॉस्पिटल? हाँ उम्मीद तो नहीं ना छोड़ोगी बेटा पर? नहीं मैम, मैं सच में उम्मीद छोड़ने वालों में से नहीं थी, लेकिन यही मेरी मम्मी पापा को फिर से वो दिन देखने पड़ रहे थे ना, तो इसी बात से मैं बहुत नाराज़ थी और मेरा मन नहीं था फिर से हॉस्पिटल जाने का। लेकिन आप आए और हमें सोल्यूशन भी दिखाया कि हम कैसे, हमारी आर्थिक स्थिति में हमारी कोई मदद कर सकता है, और हम ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। मुझे विश्वास लग रहा है कि अब हम फिर से पहले वाले दिन हमारे जीवन में आएंगे, और मैं हाँ ज़रूर बेटा, लूँगी। जरूर आएंगे। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए ज़रूर आऊँगी। हाँ तो फिर हम आज हॉस्पिटल चलेंगे। जी देखो बेटा, अगर यहाँ से आपको ट्रीटमेंट फिर से कंटिन्यू करनी होगी, जी और मैडम, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के बाद जो भी आपका फंडिंग का होगा, वो हम सब माता पिता जी से और उस फंडर से बात करके आपका वो ट्रीटमेंट का भी फंडिंग का हम देख लेंगे, ठीक है? हाँ मैडम, लेकिन आपकी सेहत का ध्यान आपको रखना है, ट्रीटमेंट फिर से स्किप नहीं करनी है हाँ मैडम, मैं ट्रीटमेंट लूँगी और और उम्मीद नहीं छोड़नी है बेटा। जी मैडम आप हमारे साथ ऐसे रहिए, मैं ट्रीटमेंट भी लेना चाहूँगी और मेरे आगे की पढ़ाई भी मुझे पूरी करके अपना सपना पूरा करना है। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप सपने भी देखती हो और वो सच करने की आप हिम्मत भी रखती हो। तो जी मैडम, लेकिन आप हमारे साथ रहिए, मेरे माता पिता को भी मदद जी करिए। बेटा बिल्कुल, अगर आप ध्यान से ट्रीटमेंट होती हो तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मैडम हमेशा रहेंगी हमारे साथ, कुछ भी हो धन्यवाद जाए। मैडम, मुझे फिर से खुद पर विश्वास रखने के लिए आपने मुझे। और माता जी और अंकल जी, आप भी टेंशन मत लीजिएगा, कल ही इन्हें हॉस्पिटल लेके आइएगा, और इनका ट्रीटमेंट का हम पूरा फिर से शुरू कर देंगे। डॉक्टर से बात करेंगे, और फंडिंग का भी है वो जो हम कल वो बात कर देंगे, जी जी ठीक है बेटा, बेटा? धन्यवाद। आपका बहुत और आप हिम्मत रखिएगा। जी जी आपका बहुत बड़ा और इनके शुक्रिया। सामने ज़्यादा इमोशनल मत होइए, इन्हें सपोर्ट कीजिए। के सामने हम कोई भी बात करेंगे तो ये रो देती, फिर यही टेंशन लेती सब बात का, इसलिए हम इसको कुछ नहीं बताते।
लेकिन मैडम आपका बहुत बड़ा शुक्रिया, आप आए, इसको समझाया, ये हमारी बात नहीं सुन रही थी। अब मैं यहाँ से आगे आपके साथ हमेशा रहूँगी। अभी तक मेरा कार्य पूरा सफल नहीं हुआ है। जब तक ये ट्रीटमेंट के लिए अच्छी तरह तैयार नहीं होती और अस्पताल नहीं आती, तब तक मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक है? हाँ धन्यवाद बेटा। और अंकल जी आप भी टेंशन मत लीजिए जी, आप ऐसे ही इसको समझाते रहो और इसका ख्याल रखना। जी जी माता जी, कुछ भी लगे तो हम बताएंगे आपको। हाँ कभी भी मेरे ऑफिस में आना, केबिन में आना, मैं वहीं पे रहती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, उम्मीद मत हारना, हम सब साथ में आपकी इस बीमारी में हाँ मैडम विजय करेंगे। जी जी मैडम, तो फिर चलो मैं। हाँ मैडम, फिर से मिलेंगे। हाँ बेटा। तो जैसे कि हमने देखा, जो वो पेशेंट थी ब्लड कैंसर से गुजर रही थी और उसने ट्रीटमेंट वो बीच में ही छोड़ दिया था, वो पहले तो हम उस पेशेंट के घर गए, होम विजिट की, उसके फैमिली के साथ बातें की, और उस बातचीत के दौरान हमें ये पता चला कि वो पेशेंट जो है वो मानसिक तान तनाव से गुजर रही थी और फिर साथ ही साथ उसकी फैमिली भी मानसिक तान तनाव से गुजर रही थी। फिर उनसे बात करके कुछ ग्रुप सेशंस लेके आखिर में वो पेशेंट फिर से ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हो गई और ये ग्रुप सेशंस हमारे सक्सेसफुल हो गए। और ये ग्रुप वर्क करते समय हमने लिसनिंग, कम्युनिकेशन, फैसिलिटेटर, हिस्ट्री टेकिंग, ऐसे अनेक स्किल्स का उपयोग करके ये ग्रुप वर्क कंप्लीट कर लिया।